हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं सोया चाप। सबसे पहले गाइस, हम सोयाबीन की चाप को बॉईल करेंगे और उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और फ्राई करेंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद हमने लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था हम वो डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। तो गाइस, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे तब ये तेल ना छोड़ दे। सो गाइस, उसके बाद हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, जरा सी हल्दी और ये फूड कलर होता है, मैंने रेड कलर का लिया चाप के लिए, कहीं भी किराना शॉप से मिल जाएगा ये। और ये कसूरी मेथी और ये है गरम मसाला। तो अब हम इसको इनमें डाल देंगे। ठीक है, ये राइस भी हमने डाल दिए इसमें, हम इनको मिलाएंगे अच्छे से, ये तेल छोड़ देगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये देखो राइस ये डाल दिया मैंने फूड कलर। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनने देंगे और इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। गाइस, इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें सोया चाप डालेंगे इस तरीके से और इसको हम उबलने देंगे। सो गाइस, ये हमारी अब तैयार है, हम इसे ढक देंगे, इसमें ऊपर से इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वीडियो कैसी लगी लास्ट कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।